So, दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई ओला की फ्यूचर फैक्ट्री के अंदर। इतनी ह्यूज फैक्ट्री है और आज आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाने वाला हूँ भाई। इतने सारे चारों तरफ ओला स्कूटर भरे हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे क्या रिव्यू आए हैं मेरे पास कस्टमर्स के, जो भी यहाँ पे 100 स्कूटर बटे हैं भाई, लोगों को जरूर प्राइज भी देते हैं। तो आज सबके बारे में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई ओला की फैक्ट्री में। इस बार सब कुछ दिखाने वाला हूँ अंदर क्या माल मसाला है। और तुम्हारा भाई पता है किस बात पे आया? तुम्हारा भाई आया है रोबोटिक सशक्तिकरण विभाग की तरफ से। सुनने में आया पे रोबोट से दिन रात काम कराया जा रहा है, बेचारों को पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, फ्री में काम पेल रहे हैं और दिन रात मेहनत करवाई जा रही है। तो आज पता लग जाएगा अंदर जाके कैसा काम चल रहा है, देखते हैं रोबोट से क्या हालत है। तो अंदर चलते हैं। यहाँ से मेन गेम एंट्री होती है, वो है एंट्री गेट, एक बार दिखा दे। अपन यहाँ से सीधी एंट्री नीचे से ले ले मेरी, ठीक है। मास्क पहन लो क्या? अगर पहन लूंगा तो फिर लोग पहचानेंगे कैसे? पंखे देखो इसके, इसके पंखे देखो कितने बड़े पंखे हैं, हेलीकॉप्टर बराबर ही होंगे बड़े। आई थिंक ये होगा कि जैसे शिफ्ट करनी है फैक्ट्री, तो सबको एक साथ चला के फैक्ट्री शिफ्ट कर देंगे, किसी और स्थान पे ले जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो भैया हैं ये हमें ना सबको समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अब वो हम खुद देख लेंगे। ठीक है, आप समझा रहे हो, नए बंदों को समझाओ, हमें तो सब पता है। मेरे को सब मालूम है। नहीं सब नहीं पता, थोड़ा बहुत हमें भी देखना है। मैं पहले देख चुका हूँ बट दोबारा से दिखा रहा हूँ, मजा बांध लूंगा इस बार। दिक्कत ये है, इस एरिया में चलना है, इस एरिया में चलना है बस हमें, और इससे बाहर जाने पे फाइन लग जाएगा 500 रुपए का। अभी देख वो वाली जो है यहाँ पे देखो, ये बनाया जा रहा है, ये लाइव बन रहा है। अब देख लो ये लाइव बनाया जा रहा है, अब लाइन से बनाए जा रहे हैं, यहाँ से बनाने के बाद ये टेस्ट कराए जाते हैं। अभी उस पर चलना पहली मंजिल पे जाके मजे करने हैं। अभी वहाँ से अलग ही गेम करेगा। और ये वन असेंबली लाइन है, इनकी मल्टीपल लाइन आएंगी फ्यूचर में, अभी पता नहीं कब आएंगी बट अभी है। और पता है वहाँ पे ना जो टीवी सा लग रहा है ना, वहाँ पे क्या अभी जूम करके दिखाएगा, वो टीवी है ना वहाँ पे दिखाता है अभी तक हमने कितना बना लिया और कितना इनका डेली गोल है। मतलब है तो बहुत बड़ी यार ये अच्छी बात है कि बहुत बड़ी है। मतलब ऐसा सा लग रहा है कि हाई टेक कंपनी के अंदर आ गए, फैक्ट्री के अंदर आ गए। अब स्काई वॉक बोलते हैं इसे, इसके ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर से देखेंगे भाई, उसके ऊपर से तो नज़ारा ही कुछ और होता है। अब मैं ना कूद के इधर जाना चाह रहा हूँ बट अलाउड नहीं है, सर कह रहे हैं कि भाई अभी गिर जाओगे, देख के चलियो, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओ देख देख देख, खोल के दिखा दिया, जूम देखियो, जूम कर इस पर, जूम मार, ये देखो भाई क्या आतंक है, ये खोल रखा है, पार्ट वार्ट खोल के रख दिया भाई। किस दिन मैं भी खोल दूंगा, जिस दिन मेरा हत्या लग गया ना मैं भी खोल काल दूंगा इसे। और ये स्काई वॉक ना लग रहा है बस दो दिन है, ये होगा कम से कम 4 मंजिल ऊँचा। 4 मंजिल चढ़ गया, सांस चढ़ गई भाई 4 मंजिल चढ़ने में, सबसे आगे रहना है। यहाँ से वो देख रहे हो सामने स्कूटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ बैठने का प्रोग्राम है, फिर वहाँ पे एक इवेंट चल रहा है। मेन स्कूटर है अपने यहाँ पे, ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, पीले येलो सिल्वर एक ही लाइन पे, ठीक है। सारी जो फीमेल है काम करती है यहाँ पे। लड़को तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है यहाँ पे, देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये मशीन बहुत चलती रहती है, इनके पास गिनती का टाइम है माल जोड़ने का, अगर जोड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो गेम से बाहर, डिस्क्वालीफाई हाथों हाथी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहिए वहीं हैं, नीवे दिख रहा होगा, मैंने ओवरले लगा दी होगी, पहिए हैं, जो भी अगड़म सगड़म है बॉडी है सारी यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। और रोबोट अपनी मस्ती में चल रहा है, उसे कोई दुनिया नहीं है। ओला की चेपी लगाई है, पहले ही लग रही थी, अभी चेपी लगाई है ओला की। इससे आगे खाना भी है मैंने सुना है, वहाँ पे खाना खाएंगे, खाने के लिए जा रहे हैं भाई सब। यहाँ मोटी भी खाना खाने आए थे, देखो वो रोबोट जा रहा है बेचारे से काम करवाया जा रहा है, इस बेचारे को पता भी नहीं है, इसमें दिमाग ही नहीं है, इसका शोषण हो रहा है, इसे काम करवाया जा रहा है। आए हाय, आए हाय, अरे राम भगवान, लड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैं रोबोट विभाग से आया हुआ, आए हो गए हमारा। हाँ एक चीज़ और बताऊँ, इन्होंने ये बोला था कि जो इनकी कैपेसिटी होगी वो होगी 10 मिलियन, लेकिन अभी तो 1000 बन रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हमारी वो है ना फैक्ट्री, अभी ये 33% है, यानी कि इसकी जैसी 2 और बननी होंगी जब ये अपनी जो इनकी एक्चुअल कैपेसिटी है 10 मिलियन वाली उसे अचीव कर पाएंगे, अभी तो फिलहाल यही है। वो ट्रॉली आ रही है वो लोडेड है, वो यहाँ पे आके बैठ जाएगी, ये लोडेड है भाई, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जो लेडी खड़ी हुई है ये इन्हें लाइन में लगा देंगी, सारे पार्ट्स हैं, अभी स्कूटर इससे पूरा बना देंगे, चीसी पीसी बॉडी वॉडी स्ट्रोल से यहाँ तक का सफ़र है, और ये खा जाता है 5 मिनट। मतलब रोबोट है यार बेचारा, अंदाज की आँख पैर तो है नहीं, मतलब आँख नहीं है दिमाग तो है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बनता है, फिर बाकी स्कूटर बन गया। वहाँ पे होता है भाई पेंट, वहाँ पे जूम दिखा दो, वैसे तो वहाँ जाने वाले हैं बट वहाँ होता है भाई पेंट। अब नीचे आ गए हम बैटरी पैक के पास, बैटरी पैक के पास चल रहे हैं भाई, 24 कलर बता रहे हैं भाई, हमें तो 10 दिखाए गए थे। तो यहाँ से बैटरी पैक बहुत महंगी आती है, 70-80 हज़ार रुपये की आती है, और यहाँ पर रखी हुई है, सोम बैग में डाली से।
चीटिंग करता है तू। दो दो गैंग चल रही है भाई इधर उधर से रैलियां, वो बीजेपी है कांग्रेस। चलो हाँ मैं एक चीज बताने बोलिए, यहाँ एसी वीसी गेम नहीं है भाई, यहाँ पे वेंटिलेशन है बट एसी वाला सीन है, और एसी होता भी नहीं होगा भाई इन जगह पे, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बिल बिल से ही मर जाएगा बंदा। दोस्तों ये है मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये रोबोट भाई, इसके लिए आया हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। ये रोबोट भाई बड़ा तेड़ फाड़ काम करता है यार, मतलब ऐसे उठाएगा गर्दन को, फिर ऐसे पटक दे रहा है, खुद ही बना रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रोबोट सारा काम रोबोट करते हैं, बैटरी बनाने वाला माल, आई थिंक थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मैन भी कर रहे हैं, बट दैट इज़ ओके। बट हाँ सेल जो है ये उठा के यही डाल रहा है, देखते ये वाला हरकत कर रहा है। तो भाई ये हैं सेल वगैरह जो इनके एलजी कंपनी से आते हैं। पैनल गैप जो वो है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा शोम से दिखवाऊँ, ये यहाँ आपको दिख गया होगा, तो है अभी है ये चीज़, आई थिंक नहीं सॉल्व हो पाएगी, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं भाई क्या होता है। और ये हो रही है बेल्डिंग, देखो मैं ये कह रहा था ये बेल्डिंग हो रही है भाई, देखो यहाँ पे कोई धुआं नहीं है और यहाँ पे कोई भी आपको बदबू नहीं आ रही है ना। पूछवाऊँ क्या? अरे ये बताओ उससे भाई, कोई धुआं और बदबू आ रही है? सुन के बताना पड़ेगा वो तो। इतनी दूर थोड़ा पता चलता है। ये भाई जवाब बड़ा कैडा देता है बंदा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई धुआं वुआ नहीं आ रहा है, वो लाइट तो आ रही है, बिजली कड़कती है। ये देखो हथौड़े बजाए जा रहे हैं, चेक करा जा रहा है। और इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है कि ना ऊपर से ना लाइटनिंग बचाने के लिए इन्होंने कट मार रखे हैं, शुभ छद्दी का ये छद्दी का कट मार रखे हैं, जिससे ना रोशनी आ रही है पूरी। तो उनकी जो लाइटनिंग खर्चा है ना काफ़ी बच गया। अगर मैं लाइटनिंग दिखाऊँ तो लाइटनिंग काफ़ी कम है यहाँ पे, लेकिन जो धूप की रोशनी है ना उससे काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, उससे इन्होंने काफ़ी बिजली बचा ली है। यहाँ पे बैटरी टेस्टिंग होती है भाई, चार्ज डिस्चार्ज करते हैं यहाँ पे इनका पूरा, और कंपोनेंट भी है यहाँ पे अंदर ही। जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है हमसे, लगता है खाना ठंडा हो रहा है। आई थिंक बीजेपी की रैली जा रही है, वो अपना कांग्रेस का है नहीं, आम आदमी भाई, आम आपसे कौन आ रहा है, आपसे केजरीवाल आ रहा है भाई। अब हम जा रहे हैं भाई पेंट वाले, पेंट बूथ अभी अंदर जाने वाले हैं। अभी पता क्या होगा, अभी भाई हमारे अंदर का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दी जाएगी। उस डब्बे के अंदर जाऊंगा मैं, दिखाऊंगा। यहाँ पे पार्ट भी दिखा रखे हैं इनके कलर्स वाले, जो भी कलर है, ये कलर है इनके क्लोज। और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, वो देते हैं आई डोंट नो, मेरे को अब अंदर जाना नहीं जाना है, बट एक जादुई चोगा पहनाया जाता है, आई थिंक नहीं इस बार हम नहीं जा रहे हैं, उससे पहले एक जादुई चोगा पहनाया जाता था, जैसे उस भाई ने पहन रखा, उस भाई को दिखा, इस भाई ने जो पहन रखा है ना ये जादुई चोगा हमें पहनाया जाता था, और चोगा पहनाने के बाद इस डब्बे में डाल दिया जाता था, हमारा स्टैटिक चार्ज ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम अंदर जाते थे, अब इन्होंने चंट पना दिखाया है अंदर को, हम नहीं लेके जा रहे हैं। पहले मैं उस बूथ के अंदर था, लेकिन इस बार यहाँ पे अलाउड नहीं है, शुभम दिखा दे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पेंट नहीं कर रहे हैं, पेंट होगा आगे जो कि रोबोट करेगा। रोबोट क्या अपनी सूंड ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है और पेंट मारे जा रहा है ऐसे में, थोड़ी हाथी की सूंड वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और रोबोट ने क्या करा है, खुद को पन्नी चढ़ा रखी है ताकि खुद पे पेंट ना मार ले, ज़्यादा जलूंगा तो खुद को जला लूंगा। हमें बोला जा रहा है कि जल्दी आगे आगे चलो, दोस्तों हमें सच दिखाने से रोका जा रहा है। मुझे पता है इन रोबोट के साथ अत्याचार हो रहा है, इनसे दिन रात काम कराया जा रहा है, इन्हें कोई वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, मैं लड़ूंगा इनके लिए भाई, देख के आइयो शुभम। सो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये चार्जर रखे हुए हैं, बोलो तो तुम्हारे लिए एक घेंट करके ले आऊँ, बताओ चार्जर बहुत महंगा है, वही कह रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए घेंट करके लाऊंगा वापस रख उसे। यहाँ पे उससे भाई कह रहे घेंट करो, उस भाई ने बैग में डाल लिया, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। बैग में आ गया है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ना जो आपके घर पे आता है स्कूटर, उससे पहले कुछ टॉप अप चार्जर डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये चार्ज होने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ पे टॉप अप चार्जर नहीं दिया जाता। और ये इन पर कपड़ा नहीं मारा भाई, अभी थोड़े वो लग रहे हैं, इन पर मट्टी वट्टी जम रही है। हाँ ये देखो यहाँ पे ना, इसका मतलब ये है कि टेस्ट हो चुकी है, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। फिर वेटिंग फॉर अपडेट, देखो वहाँ पे लिखा हुआ वेटिंग फॉर अपडेट, इनमें अपडेट आएगी भाई, उसके बाद भेजे जाएंगे यार आगे ये। रोबोट भाई मैं रोबोट विभाग से, आप मुझे बताओ आपसे कितना काम कराया जा रहा है डेली? तो कह रहा भाई इससे बहुत काम कराया जा रहा है, इससे दिन रात काम करा है, रुक के कुछ बोलना चाह रहा है, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। सही, ये तो इशारा करने से रुक जा रहा है, हल्का ही बीच में हाथ आ जाता है, लाइडर सेंसर है इसके अंदर। ये बोलना चाह रहा है कि मुझसे दिन रात काम कराया जाता है, कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये कह रहे हैं दे डोंट नीड इमोशन, प्यार मैं चाहता हूँ, इन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। करते हैं तुम्हारा, हम करते हैं प्रबंध तुम्हारा, करते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं असेंबली लाइन की तरफ, रोबोट भाई को बाय बाय बोल दिया हमने, बड़ा सेंसिटिव है, हाथ मारते ही ना रुक जाता है, काफ़ी उसमें है सेंसर बहुत सारे, मैंने ऐसा करा हल्का सा और वो रुक गया। दोस्तों ये है इनके हैंडल, क्लोजली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये रेस देने वाला है। तो दोस्तों ये है ब्रेक,
ब्रेक मारने के लिए। यस गुड सजेशन। चले ये सब एक एक ले ले तो घर पे बना सकते हैं। एक्सेप्टेबल नहीं है। गुड सजेशन, एक एक सबके बैग में रखवाओ, एक स्कूटर बन जाएगा। ऐसा मत करो मेरी जान। मोस्ट भाई ने अपना चार्जर रख लिया है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक माल निकालने की। ठीक है, अपना बूट स्पेस आ गया। तो ये चीज़ तो है, मतलब इतना सारा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जो लोगों में थी, मतलब सब में तो नहीं थी, अब मोस्टली में तो मेरी पिछली वीडियो से क्लैरिटी आ चुकी थी कि ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से मंगाया दूसरे देश से और यहाँ बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है यार, अच्छा काम करो, बनाओ स्कूटर, खूब बेचो, हमारी तरह से तरक्की करो यार, कॉम्पिटिशन बढ़ाओ मार्केट में, सस्ते करो ईवीएस को। जब मजा आ रही, ये टायर है भाई, यही टम्पू घुस के ना उधर चला जाएगा, उधर जाएगा। MRF का टायर है भाई, इतना मोटा टायर, फिर वो जो लेडी वर्कर्स हैं वो इसे जोड़ देंगे। ये बेचारे वो हैं जो थक्के चूर हो चुके हैं, इनसे भी काम कराया जाएगा दोबारे। अय हय हय हय, बड़ी बड़ी ज़िंदगी ख़राब है बेचारों की। ठीक है, एक बार क्लोजली दिखा सुबह। तो दोस्तों ये है हमारा रोबोट, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर की, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है टॉप स्पीड इसकी 3 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब मनुष्य ने रोबोट्स की जगह छीन लिया, बेचारे रोबोट्स को वैसे काम नहीं मिलता था, मनुष्य ने दोबारे से यहाँ पे उनकी जगह छीन ली है, उनसे काम छीन के यहाँ पे मनुष्य अब अपना काम कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है भाई, असेंबली होती है, जो टायर हो गए अपने, ब्रेक लीवर हो गया, और बूट स्पेस हो गया, उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे जोड़ के लगा दी जाती है, चार्जिंग का पोर्ट हो गया, सब यहाँ पे कनेक्ट किए जा रहे हैं भाई। पूरी चेसी आती है, चेसी से पूरा स्कूटर एंड तक जाके ना वहाँ जाके पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। आपने वहाँ पे देखा होगा टेस्टिंग व्हीकल खड़े हुए थे, यहाँ पे नहाने के लिए स्विमिंग पूल, यहाँ पे मगरमच्छों से टेस्ट करवाया जाता है, यहाँ पे पानी भर देते हैं, यहाँ पे ओला तैरता है, और आई थिंक ओला बोट भी ला रहा होगा, तो यही पे उसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत चंट बन रहे हैं भाई, इस बार ना बहुत छोटा टूर रखा है, पेंट बहुत, मतलब मेरे मुंह पे पेंट गिर गया था, मानोगे नहीं, तो लाल पेंट नहीं आ गया था मेरी आंखों में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी भी होगा। तो नारी शक्ति को यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, नारी शक्ति ही यहाँ पे काम करती है बस। ठीक है, आदमियों हार गए गेम, तुम हार गए, अपना अपना देखो भाई, गेम हार चुके हो तुम पूरा। ये जूम हो रहा है भाई, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है स्कूटर हाइपर मोड के अंदर, ब्रेक वगैरह कौन से मोड में कैसा चलता है, ब्रेकिंग क्या है। सेकंड हैंड स्कूटर रहते पहले से चला के, सही मेरे को पहले ही शक्ता, मेरे को शक्ता भाई, चला चला कर देते, ब्रांड न्यू नहीं मिलता। चला चला स्कूटर है भाई। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो आपको ब्रांड न्यू स्कूटर मिलता है तो आप गलत हो, आपको टेस्ट करके दिया जाता है, यहाँ पे ओल्ड जो टेस्ट कर रहे हैं उसे टेस्ट कर लेते हैं, तो इट्स नॉट ए टोटली न्यू, एक बार तो चला के देते हैं। सो दोस्तों ये बहुत तेज बन चुके हैं, हमें पास नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं और भी रोबोट से बात करना चाहता हूँ कि रोबोट तुम्हारा क्या हाल है, लेकिन ये हमें गुमराह कर रहे हैं, ओला टीम हमारे आसपास घिरी हुई है, हमें अलाउ नहीं कर रही है उनके पास, उनकी आप बीती सुनने के लिए। अब चलते हैं, यहाँ पे हमें कुछ दिखाया जा रहा है, ये क्या है, यहाँ पे दर्द है, हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे माइक का साथ खत्म हो जाता है, ये लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खुला खुला है स्कूटर जो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आयरन मैन, एक बटन दबाएंगे पूरा जुड़ के एकदम अलग ही स्कूटर बन जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मर टाइप अपना। दोस्तों इस मोटर में आपको दिख जाएगा आप कितनी तांबे की तारें डाली हुई है, और उसके आगे सस्पेंशन है, ये हरे हरे से कैपेसिटर जो कि किसी को कभी समझ नहीं आता होते क्या हैं। इसके बाद यहाँ पे बैटरी, कटी कटाई बैटरी यहाँ चला के रख दिए इन्होंने। ठीक है, दो बैटरी हैं और अलग अलग हैं, ये दोनों फुटबोर्ड में होती है, और ये है भाई अपना पूरा स्कूटर, फिर बैक साइड बूट स्पेस, डबल स्टैंड दिखा दे भाई, ये है डबल स्टैंड, ये ऐसा आएगा डबल स्टैंड। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कैसा का, तो भाई यही वाला है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी खड़े कर रखे है, अभी डबल स्टैंड का एक्सेसरीज की तरह आएगा, मुझे लगा ये डबल स्टैंड है, जैक दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ए बैटरी मत बोल, बैटरी बोलता है साला, बैटरी नहीं बोलने, बैटरी बोलता है। ओके, तो यहाँ पे बैटरी है, ओ ये तो सही कर रहे हो यार तुम, बिल्कुल पानी में डुबो दी तुमने, ये मैंने ऑटो एक्सपो में भी देखा था, और इसकी हेडलाइट भी है भाई, बैटरी तरन ताल में IP67 रेटिंग दिखा रखा है यहाँ पे, और बैटरी पैकेज कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं, प्रूफ कुछ नहीं होता भाई, हाँ फिर भी डुबो रखी है, काम चल रहा है, तो इसका मतलब हम स्कूटर को अब डुबो सकते हैं, अंदर डाल देंगे बिल्कुल पानी के, नदी नालों को एक्सप्लोर करेंगे ओला स्कूटर के साथ, देखते हैं उसकी वाटर कैपेसिटी को। यहाँ पे फिर वही बैटरी सेल्स, देखो मैं LG कैम का बैटरी सेल दिखाता हूँ, तो ये है भाई वायर बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे वायर बॉन्डिंग लिखा है, और ये है इसकी वायर बॉन्डिंग। ठीक है, ये वायर बॉन्डेड है, वायर बॉन्डेड का मतलब ये है कि ईच सेल इज कनेक्टेड टू अ वायर, सो इट विल फ्यूज फास्टर, व्हिच मींस इट्स सेफर।
अगर कोई सेल में दिक्कत होती है तो ये अलग हो जाएगा। हाँ, तो टिपिकली टेस्ला वगैरह टिपिकली जो बहुत हाई एंड गाड़ियां हैं अब्रॉड उसमें यूज होता है। मैं घर में जो फ्यूज होता है नॉर्मल, वो कैसे कुछ पार्किंग होती है कुछ गड़बड़ होता है तो फ्यूज उड़ जाता है तुरंत। सेम टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट है। ओके, सेम कर रहा है फ्यूज, क्योंकि इसलिए पत्ता रखा गया है ताकि तुरंत उड़ जाए। दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी दैट एनी टू व्हीलर इन इंडिया यूजेस बाय द वे। नहीं है पक्का इंडिया 100% नो अदर टू। देखने पड़ेंगे सारे। ठीक है ठीक है। यहां पे दिखाओ भाई, वायर बॉन्डिंग अल्ट्रासोनिक फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये है। ओके, यहाँ पे लाइव 3, 2, 1 करो गो। उई। ओके, क्या बंद हुआ? अच्छा, हेडलाइट बंद हो गई। हेडलाइट नहीं, कह रहे हैं बैटरी में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा, कनेक्शन टूटा टूटे आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, शॉर्ट सर्किट करके दिखा रहे। एक बार और करना भैया, मजा आया था। छोटी बच्ची हो क्या? भाई बंद हो गया। होम मिरर से मेंसी भी है। ओके, तो इट प्रोटेक्ट्स योर होम। पूरा स्कूटर ही बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, आपका बैटरी पैक इट विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द व्हीकल। यस, सो यहां पे ओला लिखा हुआ है। ओला की भी ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। ओला की ब्रांडिंग है। कहीं भी बैटरी में कोई भी दिक्कत आती है तो ये कट हो जाएगा। कुल मिला के इसका हम सीधे भाषा में बताएं तो मैं बताता हूँ असल में क्या हो रहा है। वो BMS कुछ नहीं है भाई। BMS का मतलब ये है, ओला ने एक BMS चिप बना दी है। इतनी बड़ी प्लेट होती है हरी कलर की जो तुम्हें डिस्प्ले पे दिख रही है। काम इतना सा है कि भाई कोई कलेश हो जाए घर में बैटरी और स्कूटर के बीच में, तो बैटरी भैया से कहता है बैटरी तू मेरे घर से निकल जा। तो बैटरी को घर से निकाल दिया जाता है। बस वही बातें वहाँ बताई जा रही है लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा। हमने आपको हिंदी में बता दी, BMS यही है, बैटरी मैनेजिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, ओवर टेम्परेचर का यहाँ पर दिखाया जा रहा है डेमोन्स्ट्रेशन। देखो सेंसर लगा हुआ है, अगर इस पर हीट मारी जा रही है शोल्डर आयरन वाले से जो हीट मारता है। देखो ये हीट हुआ, ओवर हीट हुआ और यहाँ पे माल मसाला कट गया। तो ये है भाई इसका सीन। ओके, इसका थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या है? थ्रेशोल्ड 70 है। 70? ओके, तो 70 डिग्री पे अपने आप कट ऑफ हो जाता है थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। सो फाइनली हम बैठे हुए हैं यहाँ पे फ्यूचर फैक्ट्री के अंदर। एक भाई मिले हैं जिन्हें अभी ओला का स्कूटर मिला है इस नंबर प्लेट के साथ। ये इनका रिव्यू जान लेते हैं भाई कि ये कितना बदल गए हैं, पहले क्या रिव्यू थे इनके। सच बताना है भाई, ठीक है, डरना नहीं है, स्कूटर अपने घर में आ जाएगा। तो मैं चला रहा था अपना ईवी, एक लव तो बन गया था और इससे धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ ही रहा था। और गाड़ी आने के बाद चलाने में मजा आ रहा था, फिर कहीं जाते थे सेलिब्रिटी सा फील होता था, लोग पूछते थे बीच में रोक के। फिर तो ट्रक में पैसे लगे, बढ़ती लगे नहीं लगे? बढ़ती है, पैसे बढ़ती है, छोटा का बढ़ती है। मतलब थोड़ी बहुत शिकायतें थी। घूम लिया भाई यहाँ पे, क्या 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 सीन है, है कुछ या है सब ऐसे? बहुत जबरदस्त है, मैनेजमेंट बहुत शानदार लगा। अच्छा, और ऐसा नहीं लगा कि कोई फैक्ट्री में आए हमारे। हम फैक्ट्री में ये इसके वजह से तो नहीं बोल रहे हैं, इससे थोड़ा बदला है। थोड़ा बदला है। देखो कितना ऑनेस्ट बंदा है। नहीं वैसे कुछ इम्प्रूवमेंट आया, जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी उसके बाद? बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने चेक करने के लिए एक दिन कंप्लेन की ट्विटर पे जानबूझ के, तो मेरे को तुरंत ही कॉल आया, सर क्या दिक्कत है? मैंने कहा मेरी बैटरी ड्रॉप हो रही है और गाड़ी सही से चल नहीं रही है। तो दूसरे दिन मेरे को टेक्नीशियन का कॉल आया, सर आप कहाँ हो? हम वहाँ आते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया, वो लोग वहाँ आए और तुरंत ही मेरा 0.30 था ना, उसमें लोग कंप्लेन जो बता रहे थे, मैंने जानबूझ के वो कंप्लेन बता दी थी नहीं। अच्छा, चेक करने के लिए। शाबाश बेटा, टाइम पास बहुत बढ़िया। मेरे को लगा टाइम पास चल रहा है यहाँ पे, औरों को सर्विस मिल नहीं रही है तभी दिक्कत हो रही। गाड़ी है इन जगह बिजी है, अच्छी जगह। मेरे को लगा कि असली विक्टिम बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है 2 घंटे से। 2 पॉइंट और दे देंगे 30 को हटा के। वे क्या बंदा है, 2 पॉइंटों के चक्कर में गाड़ी बुला ली, बहुत बढ़िया। तो ये लाइव कर दो। मैं कहा सर 2.0 कर दो ना, बोलो हमारे हाथ में नहीं। मैं कहा ट्राई करना यार। अच्छा। बोले नहीं नहीं होगा, देखे देख हो जाए क्या मतलब। तो उसने किया और तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ईवी गैन इज द बेस्ट चैनल ऑन YouTube फॉर ईवी। अंदर है, बहुत जोरदार है। चलो भाई ठीक है ठीक है, थैंक यू यार। थैंक यू सर, नाम बता दो आपका। आकाश। आपका? हाय, रघु रमेश फ्रॉम बेंगलोर। कितने चला है? सर्विसिंग तो आपको पता ही है कैसा। तो दोस्तों फैक्ट्री में घूमने से बाद यहाँ पे मैं कुछ बंदों से मिला हूँ, आपको मेरे रिव्यू भी दिखे होंगे, मतलब मेरे नहीं कस्टमर्स के रिव्यू दिखे होंगे। तो ठीक है, अभी भी है मिक्स,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ सही हो गया है, बट फैक्ट्री टूर इसलिए ही कराया गया है ताकि लोगों में जो ट्रस्ट है वो बन जाए, जो लोगों को गेन करना था दोबारा से। और हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे 10 की जगह 100 स्कूटर बांटे गए हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। भाई अंदर जो था तुम्हें दिखा दिया वीडियो में, पता लग गया पूरा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था, ये था टूर। और यहाँ पे कुछ नए बंदे भी टकरा गए उनसे, भाई इंस्पिरेशन है हमारी, इंस्पिरेशन नहीं होता नहीं, इन्हें देख के यूट्यूब चालू करा था। उससे भाई है खुद ओला ओनर है ये, उसका भाई क्या था, क्या माल मसाला दिखा अंदर? माल मसाला ऐसा था, सबसे पहले तो पहले मैं बोलना चाहूंगा अपन आए थे नॉट एज अ यूट्यूबर बट एज अ कस्टमर, क्योंकि 50,000 लोगों को बुलाया था तो कस्टमर से भी मिलना था। कितने आए होंगे वैसे? वो तो प्लेट कितनी खाली हो गई होंगी, उसका हिसाब लगा लो, खाने का सबको देख रखा था। हलवाई बताएगा, हलवाई बताएगा कितने आए बट 2.5-3 तो होंगे शायद। हां मुझे लग रहा है 2000 समथिंग होंगे, बस दिखाइए शोरूम से, इतनी तो बस है भाई। ठीक है, तो ये था सीन इनका। और भाई बादल इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। तो कुल मिला के ये था, और ये स्कूटर देख लो भाई, यही बटेंगे अब। ठीक है, ये सारे गेयर हुआ जो है इनके घर पहुंच जाएंगे जो जो जीते हैं। बाकी काफी चीजें देखने को मिली, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह क्या है, और मैंने हमने फीडबैक दे दिया, थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है, चीज अच्छी जा रही है। और सबसे सरप्राइज वो कार दिखा दी किसी को, कार हाहाकार करेगी, कौन किस को नींद नहीं आएगी आज, आज तो काफी लोगों को नींद नहीं आने वाली।